और पापा से प्यार करती हो? सुनो, पापा से प्यार करती हो? कितना प्यार करती हो? गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइज आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ रहेंगे, हम सब भी यहाँ स्वस्थ हैं। तो गुड मॉर्निंग हो चुका है गाइज, आज वेडनेसडे का गुड मॉर्निंग है। और आपको पता है कि हाँ, आज 2 अक्टूबर है, तो हैप्पी गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की विजय गाइज दोनों। और आज का ब्लॉग चालू हो गया गाइज, मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी देखते हैं आज डेली लाइफ में क्या क्या कैप्चर होगा। जो भी कैप्चर होगा सब आपको दिखाएंगे, बताएंगे। ब्लॉग पे बने रहिए और इनसे मिल लीजिए। तो गाइज सुबह से शाम हो गई है और आई डिड नथिंग, घर में मस्त आराम करते रहे हैं। और हाँ, कल से नवरात्रा शुरू था, तो मैं कल रात को लेट से सोया था और थोड़ा लेट से उठा हूँ आज, तो थोड़ा ट्रिम ट्रुम और सेट करा लिया मैंने कि हाँ 9 दिन तक मुझे कुछ कराने का ज़रूरत नहीं पड़े। दिक्कत तो तब होता है जब गाइज कान के बाल पड़ जाते हैं, थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, डिसअपॉइंटिंग होता है वो। एनीवेज, तो आज छुट्टी इसलिए था क्योंकि गाइज आज गांधी जयंती प्लस कह लीजिए आप लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन आज ही होता है। और गांधी जयंती लोग बहुत याद रखते हैं, 2 अक्टूबर नेशनल हॉलीडे घोषित किया हुआ है, लेकिन हाँ लाल बहादुर शास्त्री का भी योगदान काफ़ी रहा है अपने देश की आज़ादी के लिए, उनको भी नहीं भूलना चाहिए। सो उनकी भी जिंदाबाद, महात्मा गांधी को जिंदाबाद लोग बोलते ही हैं, नोटों पर उनका ही फेस छपा हुआ है। तो गाइज कल से नवरात्रा शुरू है और आपको तो मैं अपने पुराने ब्लॉग्स में बताते आ रहा हूँ, और अगर आप मेरा लास्ट ईयर का भी ब्लॉग देखिएगा तो आपको 9 दिन का नवरात्रा का दिखाया कि मैंने 9 दिन क्या क्या किया है, कैसे किया है। तो मेरा कहना गाइज कि मैं 9 दिन पूरा फास्ट रहने वाला हूँ। नमक, 2 रूप होते हैं नमक के, एक नमक होता है, एक सेंधा नमक होता है, जो मैं समझता हूँ जानता हूँ। तो मैं नमक बिल्कुल नहीं खाता हूँ पूरे 9 दिन, और मैं पूरे 9 दिन फास्ट पे रहूँगा गाइज। कोई कुट्टू का आटा और कुछ भी ऐसा व्रत नहीं, मतलब वैसा कुछ मैं नहीं खाता हूँ। मैं सिर्फ फल पे रहता हूँ, केला, सेब, खीरा, अनार, नारियल पानी, कॉफ़ी पी लिया, चाय पी लिया। ये एक होता नहीं है कि लोग अपने हिसाब से चीज़ें करते हैं, मैं भी उसी तरीके से जो समझता हूँ वो मैं कर पाता हूँ, तो मैं भी उसी को कर रहा हूँ। तो कल से नवरात्रा शुरू है, माता दुर्गा के 9 रूप जो होते हैं। और हाँ गाइज, इसी महीने यानी नवमी के दिन आई होप मेरा बर्थडे है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 11 तारीख है ना, इट्स माई बर्थडे। सो गाइज कितना खुश नसीब हूँ मैं कि इस दशहरा में नवरात्रि के समय में मेरा बर्थडे फिर से आया है गाइज। आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो लकी कि हाँ माता रानी मुझे इतना सारा प्यार देंगी, और माता रानी के साथ आपको भी देना पड़ेगा गाइज। अब सोच लीजिए, आप नहीं दीजिएगा तो माता रानी नहीं गाइज, दिल से आप हमें प्यार दें ना दें, गॉड ब्लेस यू ऑल, आप लोग सही रहें, खुश रहें, मैं दिल से यही दुआ करूँगा। मैं तो बस काम कर रहा हूँ गाइज, 9 घंटा काम करने के बाद ब्लॉगिंग इज़ वन ऑफ माई यू नो काइंड ऑफ रिसेंट पैशन जो मेरे अंदर जगह है, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि हाँ मैं इस पर काम करता रहूँ, एक ना एक दिन तो वायरल कर हो ही जाऊँगा। आप लोग कर देंगे, नहीं तो ऊपर वाला करेगा, ऊपर वाले में सबको ही आ गया, माता रानी, गढ़ी माँ, भोलेनाथ, बजरंग बली, कोई ना कोई तो कर ही देंगे गाइज। तो चलिए थोड़ा सोचताते हैं फिर मिलते हैं। तो गाइज मस्त मैंने खाना पीना खा लिया, और हाँ ये कोई वैसा ब्लॉग नहीं है गाइज कि हाँ मतलब मैं आज कहीं नहीं गया था, घर से कहीं नहीं निकला हूँ, मैं घर में ही रहा हूँ। सुबह लगभग 9, सॉरी गाइज मेरा ये हैबिट नहीं है, बट रात को लेट से सोया था, 1-2 वेब सीरीज मेरा रह गया था उसको मैं निपटा के आज थोड़ा लेट से उठा हूँ। और उठ के मैं चला गया था थोड़ा ट्रिम ट्रुम का सही कराने के लिए, उसके बाद मैं आके फिर फ्रेश हुआ हूँ, तो तब से उसके बाद की बात है गाइज। तो ये कोई वैसा एक्सच कुछ ब्लॉग नहीं है, बस मैं मैसेज ये देना चाह रहा हूँ कि हाँ आज जो हुआ सो हो गया, कल से नवरात्रा शुरू है, तो कल से पूरा दिन गाइज जय माता दी चलेगा जहन में, ऑल दो वो हमेशा चलता है, लेकिन हाँ गाड़ी में खाते वक्त, उठते वक्त, बैठते वक्त जय माता दी बस यही चलेगा 9 दिन तक। क्योंकि अगर मैं अगर माता रानी का नाम, हालांकि वो तो माँ है, वो तो सबका बेड़ा पार करती है गाइज, मैं क्या हूँ, मैं तो एक तुच्छ व्यक्ति हूँ, छोटा सा इंसान, वो तो सबका बेड़ा पार करती है गाइज, लेकिन हाँ मैं 9 दिन का फास्ट रखने वाला हूँ, अगर उनका आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो मैं नहीं कर पाऊँगा, और आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो ये पूरा नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैं 9 दिन फास्ट पर ज़रूर रहूँगा, ब्लॉग हर रोज़ डालूंगा गाइज, हर रोज़ जितना भी डालूँ, इतू सा, छोटा सा, बड़ा सा, नन्ना मुन्ना जो भी डालूँ डालूंगा ज़रूर, और आपको देखना पड़ेगा। तो गाइज अभी मैं उधर देख के आता हूँ कि हाँ बच्चे क्या कर रहे हैं, उसके बाद आपको सी ऑफ करके फिर ब्लॉग ज्वाइन करूँगा। चलिए बच्चों को देख के आते हैं। तो गाइज उस रूम में पापा भी पहुँच गए, वो लोग जरा किट्टो किट्टो
कुट्टो गाइस को हेलो बाय सब बोल तो दो और पापा से प्यार करती सुनो पापा से प्यार करती हो कितना प्यार करती हो इधर सामने आके बताओ तो गाइस आज आप देख रहे हैं ना सुबह में मैंने अटेम्प्ट करा था जो गुड मॉर्निंग वाला है और जो मैंने वो रिकॉर्ड किया है उससे आपको लगेगा कि बॉस कितना एंथुसियाज्म दिखा रहा है। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग कैरेक्टर वैसे बट छुट्टी था ना गाइस सारा एंथुसियाज्म डाउन हो गया है। अब चूंकि 5 दिन ना पूरा ट्रैवलिंग में ना मतलब मैं क्या बताऊँ कितना दर्द होता है गाइस मैं आपको बता नहीं सकता। ऑल्दो मेरी गाड़ी ऑटोमेटिक नहीं है अगर आप आशीर्वाद देंगे ऊपर वाला आशीर्वाद देगा तो ऑटोमेटिक गाड़ी भी ले लेंगे गाइस लेकिन क्लच ब्रेक लगाते लगाते ना वाट लग जाता है। कुकर पे कुछ और चीज़ चढ़ा हुआ है हम लोग क्या चढ़ा हुआ है ऑल्दो खाना बन गया आलू पड़ोस की सब्जी और रोटी बनी है गाइस। तो गाइस क्लच ब्रेक के चक्कर में ना मैं वैसे ही मतलब 2 घंटा जाना 2 घंटा आना इट्स वेरी यू नो हेक्टिक समटाइम्स लेकिन कोई बात नहीं काम है तो कर्म ही पूजा है गाइस। मैं तो काम कैसा भी हो पापा ने यही सिखाया बेटा बी पंचुअल बी ऑन टाइम जो भी काम मिले उसको ना नहीं कहना है बॉस को ना नहीं कहना है बस अपना काम करते रहना गाइस। और हाँ कल से नवरात्रा शुरू है आप ब्लॉग देख रहे हैं गाइस कल से मेरा 9 दिन का फास्ट होने वाला है। विद दिस नोट आज का ब्लॉग मैं यहीं पेंट कर रहा हूँ आशा करता हूँ कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए स्टे सेफ टेक केयर बाय बाय गाइस।